श्योर उसने तो कहा नहीं, आपने तो मिसिंग कह दिया भाई, तो उसने तो कहा नहीं। श्योर जानवी आर यू, जानवी आर यू मिसिंग योर मॉम? मम्मी ने मिस कर रहे थे तो ना शी सेइंग नो। मम्मी जोड़े कनाडा जाऊं छे तने। दानवी, दानवी, ओह माय गॉड, दानवी, यू आर नॉट, यू आर नॉट मिसिंग योर मॉम। दानवी, आई थिंक यू आर फ्रोजन, यू गॉट द वीजा, तुम्हारा वीजा अप्रूव हो गया आपका। दानवी, गाइड एक सेकंड सर, वो आई थिंक सी कंके जो दानवी, मामा दानवी, से हेलो टू मॉम, योर वीजा इज अप्रूव्ड, यू आर कमिंग टू कनाडा मे बी नेक्स्ट वीक और सो 10 डेज लेटर। वाओ, ये Oh my God, sir, thank you, thank you, thank ये देखो you. स्क्रीन पे देखो, तो स्क्रीन पे कुछ आया नजर? हाँ जी सर, दिसंबर 22 को है, आज ही है दिसंबर 22 सर। थैंक यू सो मच। लुक, वेट अबाउट योर, इसका भी है, वो अभी है, बस एक ही बात है, जब इसका हुआ तो उसका भी होगा, दोनों का हुआ है। उनका कहाँ है अब बताओ, उसका भी देखना है, रुक जाओ फिर, रुक जाओ छोटे, रुक जाओ फिर, बाकी बाकी आप पहले ये, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आपने दे दी आज। ओह माय गॉड, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। ये बताओ अपना भारती, ये बताओ पहले भी बड़े इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने क्या था, अप्लाई किया था दो बार तीन बार, पहले क्या प्रॉब्लम? सर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे ना, पहुंचे थे वहां पे फंड्स के डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, तो कितनी, ये तीसरी बार है चौथी बार है? दान एक मिनट संकेत, इन्हें साइड करना कि संभला तो नहीं, वाईफाई उनका चलता नहीं गुजरात में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। अंबानी का प्रॉब्लम, अंबानी। अच्छा सर, संकेत, संकेत, यू, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द गुजरात समवेयर, आई डू नॉट नो। सर तू सर, कैन यू हियर मी? यस बट आई कांट, तो आने, लेकिन फोटो, जब तक फोटो नहीं आएगी तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कौन बोल रहा है? सर जस्ट अ मिनट, आई थिंक देयर सीम्स टू बी सम इश्यू विद माय इंटरनेट। देयर सीम्स टू सम इश्यू, देयर सीम्स अ लॉट ऑफ इश्यू सर, ये आपका प्रताप है, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप सुन पा रहे हो तो बोले, इफ यू आर एबल टू हियर मी। दो दिन पहले मैं अमृतसर गया। हमें सुनने से नहीं, शक्ल दिखाएं आप, पहले शक्ल दिखाओ, पहले सुनने से नहीं होना, मेरे को शक्ल दिखाओ अपनी। शैल आई रीजॉइन? आप ज्वाइन नहीं हो बॉस, आपकी आपकी आवाज आ रही है स्काइप पे, लेकिन शक्ल नहीं आ, वो तो कैमरा बंद कर दिया। रीजॉइन कर यार, दुनिया में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब तक वाईफाई नहीं आएगा तब तक क्या होगा दुनिया में, आगे क्या होने वाला है? सर जस्ट गिव मी 2 मिनट्स एंड आई विल रीजॉइन सर। देखो भारती स्क्रीन पे देखो, यस सर, आई कैन सी द स्क्रीन।
क्या लिखा है, आपका नाम लिखा है संकेत? यस सर आई कैन। और ये है वर्क परमिट, डब्ल्यू से शुरू होने वाला वर्क परमिट भी है, तो आपका भी है और बेटी का, दोनों का है। थैंक यू सो मच सर। क्या क्या कह रहे थे अमृतसर में, क्या हो गया? आप अमृतसर गए थे क्या कह रहे सर? इस बार पता नहीं, यू विल नॉट बिलीव मी, बट जब से, मतलब मैंने लास्ट टाइम जब रिजेक्शन आया था और जब फाइल रखी, और तब से कभी मतलब इतना कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव वाइब्स नहीं थे, पर पता नहीं आपके पास से जब से फाइल रखी थी ना, मैंने एक भी बार ऐसा सोचा नहीं एक भी दिन कि मुझे वीजा आएगा या नहीं आएगा। मुझे अंदर से पता नहीं क्यों, बट आई वॉज प्रीटी मच श्योर दैट आई एम गोइंग टू गेट द वीजा। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन अंटिल नाउ फॉर दैट, बट I was pretty much sure that I have given my career into safe hands, you know, an expert who would do the things for me, sir. So, you know, better than anyone else, you know, not just the congratulations, but, you know, sir, my heartily thanks to you, ki because of you, I'll be able to meet, you know, sooner than later. आप पहले अपनी शक्ल तो दिखाओ, पहले शक्ल पता नहीं लग रहा कौन बोल रहा है, शक्ल नहीं आ रही है। ठीक है सर। हाँ सर, अब कैमरे को क्लिक को डी क्लिक करो ना, उसको बार बार वो ऊपर आएगा क्या? हो जाएगा दो तीन बार कर। तो मेरे को भारती आपसे ये पूछना था कि ये तीसरी बार एप्लीकेशन है, थर्ड टाइम इसको मिला, तो पहले दो बार में क्या प्रॉब्लम हुई थी? जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द इमिग्रेशन एप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्या थी। फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन किया था तो उस टाइम पे जो नोट्स अप्लाई किए थे उस पे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, बट आई डोंट नो कि सिर्फ फंड्स के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे जो वहाँ पे संकेत के थे, जो भी फंड शो करने थे। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट्स उसको नहीं मिले, वो मुझे डाउट लग रहा था क्योंकि उसको सब मिले हैं तो वो फंड्स के ही खाली क्यों नहीं मिले, या फिर वहाँ पे अपलोड करने में इश्यू। क्योंकि क्या हुआ था कि जब हमने फाइल लगाई थी ना, तब दिवाली थी, तो वो लड़की ने ना अपनी फाइल, हमारी जो फाइल लगाई थी वो अपने घर से लगाई थी, ऑफिस में नहीं थी, तब छुट्टी थी, और संकेत का बायोमेट्रिक हम बुक कर दिया था उसने 9 नवंबर का, और वहाँ पे 3rd या 4th नवंबर समथिंग था, तो उसने फाइल लगाई नहीं, तो उसने बोला कि मैं घर से लगा दूंगी आपकी फाइल, ऐसा था। तो उसने घर से लगाया, तो मुझे लग रहा है शायद उसकी वजह से उसने वहाँ पे प्रॉपर नहीं लगाई है वो वाली फाइल, वो कुछ इश्यू हो सकता है कि उसने 2-3 डॉक्यूमेंट शायद मिस किए हो अटैच करने में। और फिर उसके बाद उस कंसल्टेंट का रिप्लाई भी नहीं आ रहा था, नोट्स अप्लाई किए थे, नोट्स उसने दानवी के भेजे, लेकिन संकेत के नोट्स उसने अभी तक नहीं भेजे। मैंने सेफर साइड पर खुद नोट्स अप्लाई कर दिए थे, इसीलिए संकेत के नोट्स आए थे, बाकी उन लोगों ने तो नोट्स भी नहीं भेजे, बिकॉज़ शायद उनकी मिस्टेक थी उसकी वजह से। या सो दिस वाज इन द फर्स्ट एप्लीकेशन, और सेकंड एप्लीकेशन में क्या था? एक ही बार अप्लाई किया था सर। एक ही बार अप्लाई किया, अच्छा। हाँ, दूसरी बार तो सर मैंने रिकंसिडरेशन के लिए डाला, मैंने रिकंसिडरेशन के लिए यहाँ पे मैं MP के ऑफिस गई, तो उसने बोला कि मैं डालती हूँ रिकंसिडरेशन के लिए, तो उसने रिकंसिडरेशन के लिए डाला, तो उसने बोला कि नहीं, मैंने वीजा ऑफिसर से बात की, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, बोले जो मिले नहीं है डॉक्यूमेंट्स वो आप अभी दोगे तो वो लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसा करके। और उन्होंने रीजन में फिर ये लिखा कि नोट्स में ये भी था कि मेरी जब मैंने फाइल लगाई थी तब मैं जॉब नहीं करती थी, तो शायद ये भी रीज़न है कि उनको ऐसा लगा कि ये भी जॉब नहीं कर रही है, इसके पास भी फंड्स नहीं है और उसके फंड्स भी नहीं है, तो वो कैन बी अ प्रॉब्लम, ऐसा लग रहा था मुझे, क्योंकि मैंने जॉब स्टार्ट किए बिना ही, पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किए बिना ही फाइल लगा दी थी। जी, तो रिकंसिडरेशन में बात बनी नहीं। रिकंसिडरेशन में तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था उनको, उनको मैंने बोला कि मेल डालो, तो मैंने मेल भी पूरा बना के मैंने आपको भेजा था कि मैंने रिकंसिडरेशन में पूरा लेटर बनाया और फिर उसको वो मेल भी डाला, सब कुछ किया, तो वो बोले कि वो वीज़ा ऑफिसर इज़ नॉट रेडी टू कंसिडर इट, वीज़ा ऑफिसर को कंसिडर करना ही नहीं है वो एप्लीकेशन। और फिर जब नोट्स आए तो इसमें ऐसा लिखा था कि हमारी तरफ से जो वो
वीजा एमपी वाले ने जो मेल भेजा है वो उसमें से वो पहुंचा नहीं उसके पास। आई डोंट नो क्या, मतलब सब घुमाई घूम घूम ही रहा, पता नहीं चल रहा है कि क्या इश्यू था किस वजह से, और वो लोग रिकंसिडर भी नहीं कर रहे थे। फिर मैंने खुद अपने हिसाब से फिर से रिकंसिडरेशन डाला तो उसका आंसर ही नहीं आया अभी तक। मैंने अगस्त 4 को डाला था। अब मेरी फोटो देख पा रहे हैं, मैं अभी घर पे बैठा हूँ, ठंड बहुत है एडमिंटन में इस वक्त, -35 -40 चल रहा है यहाँ पर। तो मैं अभी बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी घर अभी अभी उठा हूँ थोड़ी देर, 1 घंटे पहले। और मैंने सबसे पहले आपका मैसेज देखा तो मैंने कहा कि ये तो मैसेज जो है भारती को देना बनता है इमिजिएटली। तो हाय, आई एम वेरी ग्लैड कि आपका वीजा हो गया। आप कितने साल से वेट कर रहे हो, कितने साल हो गए? थोड़ा सा हिस्ट्री बताएंगे इसको, मतलब कि आपको, मैं किसी को नाम नहीं लेना आपको, लेकिन आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट से भी बहुत मिले हो सरी में, जहां काम भी करते हो, किसी का नाम लिए बगैर। तो वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट वगैरह क्यों नहीं कर पाए, ये क्या उन्हें उन्हें क्या प्रॉब्लम थी इस बारे में? संकेत, आपकी फोटो नहीं आ रही संकेत। सर मतलब मैं मिली 2-3 जगह पे, बट मुझे जो मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह था, दिखा वगैरह, तो फिर वो आपका मतलब कि जो भाई यू आर दी वन जब एक्चुअल एडवाइस देते हैं, जब आप बोलते हैं कि फाइल लगाओ तो आप बोलते हैं कि नहीं पहले आप लगा दो, अगर कुछ रिजेक्शन आता है तो आप मुझे बताना। सो इट इज़ लाइक संकेत ने तब यही बोला कि नहीं अभी हम फाइल लगाएंगे तो सर के थ्रू लगाएंगे। उसने आपके बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे थे, ठीक है, जो भी आपने फाइल्स लगाई थी आपके सारे वीडियोस ऑलमोस्ट ही फॉलोज यू कि कहाँ कहाँ है आपने रिजेक्शन के सारे केसेस कैसे सॉल्व वगैरह किए हैं सब कुछ। वो तो वो देख के वो इवन संकेत हैज ऑल्सो वर्क विथ लॉट ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हेयर इन सरी एज वेल, बट फिर आपने जो एडवाइस दिया, जो हम मिले डिस्कस किया, बिकॉज एवरीवन लाइक हम मिले उनसे बात की तो उन्होंने बोला हाँ लगा दो 20 मिनट लाइक आफ्टर जब आपका वर्क परमिट आता है अब तब लगा देना, वही रीजन था। बट मतलब जो कॉन्फिडेंस आपने जो डिटेल्स इन डिटेल बताया फाइल्स करने का, सो दैट्स व्हाई हमने आपके थ्रू लगाया सर। संकेत संकेत भी गुजरात में काम कर चुका है इमिग्रेशन कंसल्टेंट के लिए, या उनको एसोसिएशन थी उनको? बहुत पहले, दैट इज जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया था, बट ही वाज एन एचआर, ही वाज नॉट एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, ही वाज एन एचआर। संकेत आ गया आपका वाईफाई, चला कि नहीं चला अभी, क्या हुआ वहां पर संकेत? एक सेकंड सर, हाय तो वाईफाई भी चला गया समय समय का। पर एनीवे, तो पासपोर्ट रिक्वेस्ट इज विथ यू, तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप करोगे, आपका तो एक्सपीरियंस है, अब इमिग्रेशन में ही काम करते हो, तो ये अभी करोगे 10-12 दिन बाद तो उसका आएगा मेरे ख्याल, कितना उसका जो कुरियर का है। अब तो अभी नए साल मतलब हाँ नए साल में आएगा अब तो, क्योंकि अभी वो अगर वहाँ पे इंडिया में भेजेगा तो दोनों सर्विसेज हैं, पिकअप भी है या फिर VFS में भी ड्रॉप ऑफ कर सकते हो, सो 2 वीक तो लग जाते हैं, या 2 वीक लग जाएंगे, दो तो वीक लग जाएंगे। बस वो तो फिर नया साल मुबारक हो जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा इन लोगों का, अब तो वही। थैंक यू सर सो मच, थैंक यू। इट वाज लाइक सीरियसली कल ही संकेत का मैसेज आया था मुझे कि अभी तो यार भारती हो नहीं रहा, मेरे से भी पेशेंस हो नहीं रहा, अभी देख ले तुझे जो करना है। दानी का भी बहुत था प्रेशर कि इतना टाइम हो गया है कि उसको अकेला छोड़ा है, और फिर मेरी मदर इन लॉ इवन ऑल्सो शी इज़ नॉट वेल, इतना उसकी भी एज है। तो फिर मैं कल वही सोच रही थी कि अभी इस बार अगर कुछ नहीं होगा ना तो मैं इंडिया जाने वाली हूँ फॉर श्योर वापस। देखो, इतनी इतनी जाके डेस्परेशन आ गई थी, आ गई है कि अगर बच्चे का नहीं होता तो इंडिया चले जाते आप। तो ये तो सर एक्चुअली दैट्स क्या वाई है कि मैं, मेरे पे गुजराती यहाँ पर फ्रेंड्स हैं मेरे, यहाँ जहाँ पर रहता हूँ नेबर्स हैं, तो मैं वो देखता हूँ कई बार उनके, मैं घर जब जाता हूँ तो वो दे ऑलवेज स्टार्ट द कन्वर्सेशन बाय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण वही आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ जय श्री कृष्णा ऑल्सो। तो मेरे को लग रहा है कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल गया है। सीरियसली सर। मैं ना आज मॉर्निंग से ही उठी हूँ ना, मेरे माइंड में वही चल रहा था, कल बात की थी संकेत से, बोले कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, और अभी है ना थोड़े रिजेक्शन केसेस भी आ रहे थे, मैं देख रही थी ना ये
रिजेक्शन ऐसे ऐसे रिजेक्शन रीजन दे रहे थे कि स्पाउस इज नॉट वही सेम कि यू आर नॉट इन रजिस्टर्ड इन अ डीएलआई इंस्टीट्यूट इवन दे आर लाइक फेसबुक पे जो मैं देख रही थी बहुत सारे लोगों के रिजेक्शन आ रहे थे तो मुझे थोड़ा और डीमोटिवेशन हो गया कि ये तो ऐसे छोटे छोटे रीजन पता नहीं कुछ भी रीजन लगा दे रहे हैं ये लोग रिजेक्शन देने के लिए कि वाई थॉट तो पता नहीं कि क्या है. या चलो कोई बात नहीं, अब जो वो होंगे, आप केसेस भेजो। मेरा तो बहुत मन है जाके गुजरात में कोई ऑफिस ऑफिस खोलने का, बड़ौदा में कुछ ऐसा कुछ खोलने का, यस इवन या सॉरी अहमदाबाद में, जहाँ अहमदाबाद में हो ना आप, ये हाँ बताइए। अहमदाबाद में. हाँ जी मैं गया हूँ अहमदाबाद, एक बार गया हूँ वहाँ पर, दैट वाज अबाउट 4 ईयर्स अगो। मेरे को पता है वो जो आपका आश्रम है, वॉकवे है, वहाँ से वॉकिंग कर हाँ सकते जी हैं। इट्स अ वेरी नाइस नाइस एरिया टू वॉक। मेरा काफी मन था वहां पर के कोई ऑफिस खोला जाए सर आई एम अहमदाबाद। सॉरी आई मिस द अर्लियर कॉन्वर्सेशन ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज बट टुडे इज वन ऑफ द बिगेस्ट डे फॉर मी. थैंक यू सो मच सर. या थैंक यू यू टू मेड द मी। डे. आई मीन आई वांट टू थैंक यू एक्चुअली, बोथ ऑफ यू फॉर डिपोजिंग ट्रस्ट इन डूइंग दिस सर्विस। Ultimately, I believe in karma theory. Eventually, this was no matter how much you believe कि ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया या नहीं किया, मैंने सिंपल जो आपने एप्लीकेशन दी है, जो मतलब डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं, उसी को मैंने ऐसे घुमाकर ऐसे लगा दिया, जैसे पोस्टमैन होता ना जैसे, तो उसको घुमा कर लगा दिया। आई डिड नॉट राइट एनी थिंग फ्रॉम माई ओन साइड। मैंने अपनी तरफ से कुछ वो कुछ खास लिखा नहीं है उसमें, ना कुछ उसमें वो कुछ आई मीन आई नो द ऑनेस्ट फैक्ट इज आई डिड नॉट चेंज एनी थिंग। यस सर इसमें कैसा था कि मैं आई सच मैं जैसे इंडिया में थी ना तो मैं सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेस करती थी लेकिन यहाँ पे मैं आई हूँ तो मुझे थोड़ा पता है कि कैसे प्रोसेसिंग होता है. लेकिन संकेत और मैंने आना ये फाइल जो आपने बनाने के लिए दी थी आई वोंट बिलीव इट सर. हम रोज़ रात को 1 घंटा बैठ के सारी एप्लीकेशन बार बार चेक करते थे कि कुछ तो ये नहीं है कुछ लगा दे कुछ चेंजेस करना है. हम 1 महीने से सिर्फ यही कर रहे थे कि नहीं वी जस्ट वांट अवर डॉक्यूमेंट्स टू बी परफेक्ट बिकॉज ये पॉसिबल मतलब मुझे बहुत वो आता जब रिजेक्शन आया ना कि बीइंग इनटू द इमिग्रेशन फील्ड मेरे हस्बैंड का रिजेक्शन आया दैट वाज टू बैड कि लाइक पता है ना आपको कि भाई मैं इस फील्ड में मुझे पता है ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये सब कुछ है. सो मैं खुद ही डिमोटिवेट हो गई थी कि भाई पता नहीं आई डोंट नो व्हाट द थिंग्स इज गोइंग ऑन सब डॉक्यूमेंट्स तो सही हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है. तो फिर जो जो इंसान आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो, उसी का स्पाउस रिजेक्ट हो जाए, उसी का बेटी बेटी रिजेक्ट हो जाए, तो बहुत ही धक्का लगने वाला है। जैसे कि धक्का लगने वाली वही है बहुत लाइक बीइंग इनटू दिस फील्ड क्योंकि क्या है. बट वो एक थी गलती क्योंकि संकेत वाज टेलिंग कि नहीं तो यहाँ से लगा दे फाइल बट फिर हमको लगा कि भाई ही इज इवन एन IRCC कंसल्टेंट तो उनके साथ थोड़े टर्म्स अच्छे थे क्योंकि हम दोनों वहाँ पे पहले जॉब करते थे. इट्स अबाउट 2010 की बात है. वी स्टार्टेड मैंने करियर वहीं से स्टार्ट किया. मुझे सब सिखाया उसी ने ही जो उनके ओनर हैं प्रॉप मतलब ही इज रिकग्नाइज ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा मुझे बेसिक वगैरह सब कुछ उनसे ही मैंने सीखा है. संकेत और मैंने आई वर्क देयर फॉर 2 ईयर्स और संकेत इज जस्ट 1 ईयर. तो हमको लगा कि वो अच्छा करेंगे बट आई डोंट नो अभी इस टाइम पे ना वो मिले ना उन्होंने ध्यान दिया. इवन ही कुड हैव डन बेटर अगर रिजेक्शन है तो वो मिलने आता बात करता सॉल्व करता बट ही डिड नथिंग. सो नो जिसकी किस्मत में है उसको मिल ही जाता है, उसको घूम फिर के एप्लीकेशन आ ही जाती है। आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स। सर यू वोंट बिलीव आई हैव बीन फॉलोइंग यू ऑन यूट्यूब 1.5 ईयर नाउ. नंबर वन. नंबर टू Before giving it to you and after getting so much of, I mean, getting disheartened, getting disappointed after my rejection, I was clear that I am going ahead with you only. और जो मैं 1.5 साल से आपके वीडियोस, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करता हूँ, मतलब आई रेगुलरली फॉलो अप, तो उससे मुझे एक तो कॉन्फिडेंस था ही सर कि इस बार कुछ भी ऐसा कुछ रिजेक्शन वगैरह आता है तो वो सामने वाले का ही गलती होगा या मेरा खराब नसीब होगा. इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि आई हैव गिवन माय केस टू प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस. I just
ये सब एक दुनिया का माया है, ड्रामा है, कुछ नहीं पता लगता कि किसकी वीजा कहाँ से किस सोर्स से कब होनी है. दिस इज जस्ट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू पंजाब couple of days before I went to Amritsar and I visited Golden Temple. और वहाँ पे जाके मैंने बहुत प्रार्थना की थी और वहाँ से आगे तलखन साहिब है, if you are aware, पंजाब में अमृतसर से 90 किलोमीटर है. Yeah, yeah. So बाबा निहाल सिंह, so I went there. क्योंकि वहां पर के गोल्डन टेम्पल में मैं क्या कोई प्रार्थना करके वो मदद मांग के आया हो कि वीजा लग जाए मेरा या क्या करके गए? सर मैंने ऐसा माना था कि मैं आपके वहां आपके द्वार पे आया हूं, मैंने ऐसा ही बोला था, बस मुझे एक वीक के अंदर आपका कनाडा का वीजा दे. संकेत वाज गोइंग ऑन 25th, वो 25 तारीख को जा रहा था. उसने बोला मैं भारती 25 तारीख को जा रहा हूँ. मैंने बोला नहीं, मैंने बोला सर ने फाइल जल्दी लगा दिया 26 तारीख को, तो तू इतना लेट तो जाएगा ही नहीं. है मैं बोला नहीं, तू यही सैटरडे संडे. उसने बोला मेरे को छुट्टी करनी पड़ेगी. मैं बोला नहीं, तू यही सैटरडे संडे गोल्डन टेम्पल जाएगा, दैट्स इट, तू 25 तारीख को नहीं जाएगा. मैंने उसकी टिकट्स भी प्रीपोन करवा दी. कैसा रहा एक्सपीरियंस गोल्डन टेम्पल, आपने पहली बार देखा जब आप एंटर करते हो, जब देखते हो पूरा, जब लॉट ऑफ पीपल देयर, कैसा आपको फीलिंग कैसा आई वहां पर? Sir, it is amazing. I mean, the vibes are completely different. One of the best, मतलब अभी तक का, हाँ मैं nothing about comparison, but मैं सोमनाथ जाता हूँ, मैं कई हमारे मंदिर भी जाता हूँ, but मैं जब गोल्डन टेम्पल गया, the moment I entered, I think the vibes were completely different. मतलब probably one of the best feeling I had. अच्छी तरह से मैंने दर्शन भी किए और प्रार्थना भी की. आपका मैजिकल हैंड तो है ही. कौन सी तारीख को? एवरीथिंग शुड हैव वर्क्ड आउट. कौन सी तारीख को गए थे आप वहां पर? कौन सी तारीख को गए थे? ये संडे. सर आई वेंट ऑन 19. अरे 19 आज तो 22nd है. तीन दिन बाद ही वो झटका हो गया. देखो डिसीजन आ गया है. सीरियसली सर, इट मींस लॉट टू अस. सीरियसली मैंने बताया कि वो जस्ट डिस्कसिंग किया, अभी तक नहीं आ रहा. पता नहीं क्या इश्यू है, क्योंकि सबके मतलब बहुत सारे देखो तो मैंने देखे जिनके 20, 25, 24 नवंबर सबके वीज़ास अपडेट्स आ रहे थे. अभी ये सब फेसबुक ग्रुप वगैरह से पता चल जाता है कि कौन सा मंथ वगैरह चल रहा है. इसलिए यू वुडंट बिलीव इट सर, मैंने आपसे एक बार भी फॉलोअप किया कि क्या हो रहा है अपडेट, न रिव्यू का, न मेडिकल का. मैं मतलब जो भी होगा अभी सब खुद ही होगा. मैंने एक बार भी फॉलोअप नहीं किया. संकेत ने भी बोला डोंट डू फॉलो विद द सर, अपने हिसाब से ही सब जो भी अपडेट करेंगे. आपकी एप्लीकेशन लगी थी ना नवंबर 26 को लगी थी मेरे ख्याल, एक 4 हफ्ते भी नहीं हुए अभी हैं. नवंबर 26 को लगी थी. यस, नॉट इवन अ मंथ. आई थिंक वी हैव रिसीव्ड दिस इन लेस देन अ मंथ, प्रोबेबली इन 20-25 डेज वी हैव रिसीव्ड दिस. सो आज मैं चांदनी से बात कर रहा थी, भारती से बात कर रहा था कि एक साल और 3 महीने हो गए कि हम दोनों एक दूसरे से अलग है. मोर देन दैट, मेरी डॉटर भी उसकी मदर से अलग है. तो कभी कभी मुझे भी थोड़ा अंदर से ऐसा लगता है कि आई फील डिसहार्टेंड कि क्यों ऐसा. पर चलो आज बात भगवान ने हमारी बात सुन ली, ऐसा हुआ. चलो सब दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आए हो रहे, रंग जीवन में छाए हो रहे. अब तो फिर नया नया गाना बजेगा और तैयारी करो आप इसको पासपोर्ट करोगे. तो आई थिंक यू आर लुकिंग एट क्लोज टू, यू शुड बी, इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान, यू शुड बी हियर बाय 10th और 15 जनवरी. यस सर, अनडाउटेडली. आई मीन आई वुड लाइक टू मेक इट इवन बिफोर दैट. यार अभी ऐसा ना हो जाए फिर से स्टक हो जाए प्रोफाइल हमारा, मतलब फाइल सारे स्टक हो जाए और हम यहाँ रह जाए, ऐसा ना हो. क्योंकि लास्ट टाइम भी सर ऐसा हुआ
कोरोना की वजह से काफी डिले हो गया था. हमने लास्ट नवंबर में ही लगाया था, नवंबर 5th को फाइल लगाया था और जून में रिजल्ट आया था. सो मेरे पास एक क्लाइंट है, उसका मैंने कोविड से पहले किया था, उसका वीजा लगाया था टूरिस्ट वीजा रेड सील का एग्जामिनेशन देने के लिए. रेड सील होता है ना, तो वो काफी ही वाज अ क्वालिफाइड मैकेनिक और काफी उसके पास अच्छी वो थे बैकग्राउंड. तो किस्मत से उसका वीजा भी लग गया, फर्स्ट टाइम टूरिस्ट वीजा ऑफ कैनेडा फॉर एक वन ईयर. लेकिन इमीडिएटली जब जाने का टाइम आया उसका तो एकदम कोविड आ गया और वो वीजा एक्सपायर कर गया. बताइए स्मॉल बेबी एक्चुअली, जिसको अभी पता ही नहीं है उसको वीजा लगा. उसके मम्मी से देखो कितनी बड़ी बात है कि वो अपनी माँ से मिलने जा रही है कितने टाइम बाद. और मतलब कि कई लोग, आप ये आप पुरानी वीडियोस देखते होंगे मेरे, तो इसमें ठीक है हम पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए आप भी तनख्वाह ले रहे हो, आप भी काम कर रहे हो, सभी जगह इंसान काम कर रहे हैं. लेकिन आप देखो ना कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में एक छोटी बच्ची अपनी माँ से मिल रही है, उसकी कीमत क्या है, उसकी क्या कीमत है, उसकी कीमत क्या $1,000 है या $5,000 है या $10,000 है या $50, वॉट इज द वैल्यू ऑफ दैट इवेंट. मतलब एक माँ से बच्ची मिल रही है और इन फ्यूचर वो जाएगी, फिर आगे वो स्कूल में सरी में वैंकूवर में पढ़ेगी, फिर आगे पीआर बनेगी, फिर सिटीजन बनेगी. अब देखो उसकी एक ट्रैजेक्टरी एक चेंज हो जाएगी. मतलब इस चीज़ की वैल्यू मैं समझता हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है. मतलब कि टिपिकली आप दिस इज वाई वी डू दिस बिजनेस एंड आई लाइक टू डू ओनली rejected spouse cases typically because this gives me great happiness and satisfaction ke isme hum kisi ki family ki life ko ek bana rahe hain aur family ki ek direction badal jayegi. matlab this is not like a normal immigration consultant ke bhi delhi mein mera office hai, aajao ji aajao, khatakhat visa lag gaya aise, ye wo hamara wo hamari philosophy wo nahi hai. par I'm greatly satisfied ki mere apne jo zindagi ka jo mission hai, jo hum ye kaam karte hain, to uske liye भगवान ने हमें चुना है ये काम करने के लिए. आई एम ग्रेटली अप्रिशिएटेड ऑन यू नो हाउ दिस ऑल केम टुगेदर. ये कैसे हुआ कि आपका रिजेक्ट हुआ, आपने कहीं किया, इधर किया उधर किया, फिर घूम के हमारे पास आ गए, फिर यहाँ से वीज़ा लग गया. मेरे से भी वीज़ा रिफ्यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे सारे वीज़े चले जाते हैं. तो उसके लिए फिर हमें दोबारा करना पड़ता है. जैसे मैंने इसको कहा था कि अगर रिफ्यूज होता है तो हम दोबारा करेंगे, और ऑफकोर्स जो हमें करना है हम करेंगे मल्टीपल टाइम्स. पर भगवान की ऐसी कृपा है कि 90% केसेस पहले झटके में हो जाते हैं. आई एम ग्रेटली थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस. तो बस इतना कहना था. आप चलो, आप भारती, आप करो काम अपना, तैयार होके जाओ काम पे. फिर हम आगे हम बात करते हैं. और थैंक यू सो मच सर. हाँ, जो भी आगे संकेत तारोलू जे करवानो छे प्रोसेस नो, वो मैं इसको मैं कॉल कर दूंगा. मैं संकेत को दोबारा कॉल कर दूंगा. आप कुछ गुजराती में जो लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहो. कि जैसे जे मैं, मेरा मन था कि मैं बड़ौदा अहमदाबाद आऊं एक बार, लोगों से मिलूं जस्ट वन मोर टाइम. तो जो गुजराती में जो लोग, मेरे को गुजराती क्लाइंट्स भी पसंद है ज्यादा, क्योंकि एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, जस्ट टू वेरी वेरी क्विकली, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गुजराती क्लाइंट एंड अ नॉन गुजराती क्लाइंट. Or I deal with Punjabi clients and other clients all the time, but I have found a difference between Gujarati clients and non-Gujarati. क्योंकि Gujarati लोग जो है वो मतलब कि point to point बात करते हैं पैसे की. They understand how the value of money is, understand the value of time is, और उनको बात समझ में जल्दी आती है, जल्दी follow करते हैं और जल्दी उसको वो activate करते हैं system को. मतलब कि बाकी लोग तो वो हैगेली करते रहते हैं, अरे सर आप इतना पैसा नहीं है. आप अगर उनको बोलोगे जी मैंने $1,000 ले, कह दीजिए $500 ले लो. अगर मैंने बोला $500 के, 250 ले लो. उन्होंने ऐसे से बात, गुजराती लोग कभी ऐसे नहीं करते फॉर सम रीजन. दे नो द वैल्यू ऑफ मनी, दे नो हाउ टू कंट्रोल एंड मैनेज मनी. सो ये मैंने गुजराती क्लाइंट्स में डेफिनेटली मैंने एक ऑब्जर्व किया है. ट्रू सर. एंड आई अज्यूम दैट यू आर इन कनाडा, राइट? Yeah, I'm in Canada right now. You can see. It's too cold here. Even it's Vancouver. Vancouver maybe sir, itna nahi hota. Is par bhi Vancouver mein bhi minus 10. You can see my window. My windows are frozen. Oh my God.
This is the, oh my god. You can go to Google. You can go to Google and then type Edmonton where I am. It should be -35 and with wind chill it should be -44 or -45. Minus. तो इतनी इतनी ठंड तो वो जो कश्मीर में लेह लद्दाख में बैठे वहां भी भारतीय जवान नहीं बैठे वहां पर जितने हम बैठे हैं. गुजराती में कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं आप, जरा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आपके, जैसे जो कुछ गुजराती वाले कोई सुन सकते हैं आपके मैसेज. संकेत कह देना. सो मैं बेसिकली तो सर मारी वाइफ ने એના પેશન્સ લેવલ જે સૃષ્ટિ એ ત્યાં હતી અને એને જે સ્ટ્રગલ સાથે અને પેશન્સ રાખ્યું ઇટ્સ અમેઝિંગ. અને અમરજોતસિંહ સર થેન્ક યુ વેરી મચ સર, તમારા કારણે એકચ્યુઅલી ભગવાનનો સાથ હોય કે અમારું ડોક્યુમેન્ટેશન હતું કે જે પણ હતું, પણ સર તમારા એફર્ટ તમારે એક્સપર્ટીસથી જ આજે અમે કદાચ એક ફેમિલી રીયુનિયન થશે સવા વર્ષ પછી. આની વેલ્યુ મારા માટે સર હું એને સમજાવી ના શકું એ રીતનું છે સર. સો હું કદાચ કહી નહીં શકું, પણ એક એક મધરને એક માની બાળકીને મળવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર સર. અમારી ફાઇલને એક ફેમિલી તરીકે જોવા માટે થેન્ક યુ વેરી મચ સર. એક ફેમિલી મેમ્બર તરીકે તમે અમને સ્ટાર્ટિંગથી ટ્રીટ્યું છે અને થેન્ક યુ સો મચ સર, ખૂબ ખૂબ આભાર સર. ઓકે થેન્ક યુ. હે થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ સર સો મચ. થેન્ક યુ સર.